नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं एक और नया IPO आज के डेट में खुला है, HP Adhesives। आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखेंगे कैसा IPO है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं और क्या क्या डिटेल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले IPO के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, प्राइसिंग डिटेल कैसी है। प्राइस यहाँ देख सकते हैं 262 से लेके 274 का बैंड यहाँ पे है, और ऊपर के बैंड पे अप्लाई करना होता है, यानी 274 पे अप्लाई करेंगे। 50 शेयर्स एक लॉट में 13,700 का आपका खर्चा आने वाला है एक लॉट के लिए। ज़्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए, बड़े रिटर्न के लिए यहाँ पे पैसा जो है लगाया जा सकता है, यानी आपका रिस्क भी हाई रहेगा, लेकिन उस हाई रिस्क के बदले में आपको हाई रिटर्न भी यहाँ मिल सकता है, वाले निवेशक यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अब देखिए कंपनी एडेसिव से जुड़ा हुआ जो है सामान बनाती है, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो कंपनी बनाती है, जो इसको दमदार बनाता है, वो है सॉल्वेंट सीमेंट प्रोडक्ट में मार्केट की लीडर है, और देश में एक नंबर ये कंपनी आती है सॉल्वेंट सीमेंट बनाने के लिए। और आजकल ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी चलन में आ रहा है बिल्डिंग मटेरियल के प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए अगला पॉजिटिव ये है, क्षमता विस्तार के चलते मजबूत ग्रोथ आउटलुक आपको देखने को मिलेगी। कंपनी जो है लगातार कैपेक्स करने में विश्वास रखती है, और काफ़ी अच्छा खासा कैपेक्स अब तक कर चुकी है, और आगे के भी काफ़ी शानदार इनके प्लान्स हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट देखेंगे कंपनी, आपको ओवरऑल देखेंगे तो घाटे में देखने को मिलेगी, लेकिन ऑपरेशनल आधार पर कंपनी मुनाफे में चल रही है, ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट बताया गया। नेगेटिव क्या क्या, देखिए कंपिटिटिव मार्केट में काफ़ी छोटी ये कंपनी है, और इसका सीधा सीधा कंपटीशन जो बैठेगा करीब करीब आप देखेंगे पिडिलाइट के सामने एक कंपनी मैदान में उतरने जा रही है, तो ये इसके लिए छोटा सा एक नेगेटिव। उसके अलावा सेकंड नंबर देखेंगे कंपनी के मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ये दो नेगेटिव मेनली कंपनी के लिए आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाता हूँ। जनरली क्या होता है कि IPO में कंपनी जो है फ्रेश इशू लाती है, या ऑफर फॉर सेल करती है, या फिर दोनों करती है। आजकल कई कंपनियाँ जो ऑफर फॉर सेल ज़्यादा करती है, यानी प्रमोटर अपनी स्टेक को रिड्यूस करते हैं, और वो सारा का सारा पैसा जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है, कंपनी के पास कम आता है। कंपनी जब फ्रेश इशू करती है उसके पास तब पैसा जब ज़्यादा आता है। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा फ्रेश इशू कर रहे हैं, नए शेयर जारी कर रहे हैं 113 करोड़ के, और ऑफर फॉर सेल छोटा सा है 12.5 करोड़ का, यानी कंपनी के पास बड़ा पैसा यहाँ पे फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के जरिए आने वाला है। देखिए फेस की वैल्यू 10 की है, जो कि बढ़िया है, और प्राइस बैंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 262 से 274 का है, एक लॉट में 50 शेयर्स हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर खुला रहेगा, यानी आज खुल गया है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 22 तारीख को डिसाइड होगा किसको मिला और किसको नहीं। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जिनको नहीं मिला है 23 तारीख को आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, जिनको शेयर्स मिल गए 24 तारीख को आपके डीमेट में शेयर्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, और फाइनली स्टॉक की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर 2021 को। तो चलिए शॉर्ट में बात करिए हमने HP Adhesives के बारे में, आई होप कि आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको अगर अप्लाई करना है या कर चुके हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।